हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना किचन की जो है सफाई कर रही हूँ और थोड़ी डीप क्लीनिंग चल रही है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बारिश के सीज़न चल रहा है तो थोड़ा ज़्यादा जाले वाले भी ज़्यादा लग जाते हैं, डब्बे भी गंदे हो जाते हैं। तो वही सारे डब्बे पहले मैं यहाँ से उतार लूँगी और उसके बाद जो पुराने पेपर है वो यहाँ पर मैं चेंज करके और फिर नए पेपर यहाँ पर मैं लगा दूँगी। तो मैं यहाँ पे जो जाले लगे हैं ऊपर, उस जाले को भी मैं यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर दूंगी। आप सफाई करना है तो पूरा अच्छे से ही हो जाए। फिर यहाँ पे जो डब्बे हैं, जो डब्बे मैंने उतारा है, तो डब्बे तो ऐसे मैं जो जब जब खाली होते हैं तो साफ़ करती रहती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा हाथ से जब हम इसे टच वच करते हैं तो गंदे होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक सरफ के दो कपड़ा रखा है मैंने, एक सरफ़ वाला और एक प्लेन पानी में। तो उसको पहले सरफ से करके फिर दूसरे कपड़े से प्लेन वाले पानी से उसको मैं साफ़ कर दे के और कर दी हूँ, तो साफ़ हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है ये रेक है, रेक अच्छे से हो गया क्लीन। अब यहाँ पे मैं जो साइड में मैं यहाँ पे रैक रखी हूँ, तो इस पे मैं चीनी, घी, नमक, ये सब चीज़ के मैं कांच के जो बॉटल है वही सब रखती हूँ, जिसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए किचन देख के मेरा लग रहा है कि कितना फैला हुआ है और लग रहा है कैसे हो पाएगा, लेकिन हाँ करते करते पूरा क्लीन हो ही गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं धो के और जाकर बाथरूम में धो लेती, पहले यहाँ सर्फ से धो लूँगी उसके बाद बाथरूम में पानी से धो लूँगी, कि यहाँ पर स्पेस तो है नहीं। तो यहाँ साफ़ करने के बाद में फिर मैं सारे डब्बे यहाँ पे सेट कर दूंगी। यहाँ पे आ गई हूँ मैं बर्तन स्टैंड पे। तो बर्तन स्टैंड ऊपर हाफ मैंने पहले कर दिया था और वहाँ भी पेपर मैंने चेंज करके सफाई करके भी लगा दिया था, बाकी का हाफ नीचे बचा था, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके और जब सूख जाएगा तो पेपर लगा के और मैं कपों पे जो भी बर्तन रखना है रख दूँगी। और पेपर यहाँ भी लगा देती हूँ, क्योंकि पेपर लगाने से क्या होता है कि मेरे ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं बर्तन स्टैंड, और बस हटाओ और फिर दूसरा चेंज कर दो तो बड़ी जल्दी काम हो जाता है, इसलिए मैं पेपर हर जगह डाल लगा देती हूँ। तो यहाँ पे नीचे जो है, नीचे भी मैं पहले ऊपर एक साइड में मैंने कर लिया बर्तन स्टैंड और रैक और ऊपर का जो रैक है, अब नीचे अगर यहाँ पे जो डब्बे रखती हूँ मैं दाल चावल आटे का, तो यहाँ पे इसको भी मैं पहले सफाई करके फिर यहाँ पर डब्बे पहले लगा दूँगी मैं, फिर मेरा इससे क्या होगा कि मेरा काम और आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर डब्बे भी, ये सब डब्बे मैंने 2-3 दिन पहले धोया था, लेकिन फिर भी मैं इसको डब्बे को अच्छे से साफ़ कर दूँगी ताकि जो भी डस्ट वस्ट पड़े होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। और उसके बाद फिर सारा डब्बे यहाँ पर मैं लगा दूँगी। और कुछ डब्बा मैंने देखिए पहले से मैंने इसको धोना है भाई, और कुछ मैं धो दी हूँ जो कि मैं वो भी यहाँ पे लेके रख दूँगी और फिर पोछा मार दूँगी। तो इस टाइप से एक एक करके मैं जब काम फिनिश करो तो काम हो जाता है, और हम सोचेंगे एक बार में सब कुछ कर ले तो नहीं हो पाता है। और यहाँ पे है जो बर्तन रखने वाला जो टोकरी है, यहाँ पर मैं सिंक के पास रखती हूँ, तो इसको भी साफ़ कर लूँगी ताकि यहाँ
पे चूल्हे को भी साफ़ कर लूँगी अच्छे से, सारे टाइल्स वेल्स हैं, और उसके बाद कुछ हद तक सारे काम फिनिश हो चुके हैं मेरे, और कुछ ही बाकी है तो वो भी मेरा हो जाएगा, और फाइनल पोछा लगा दूँगी तो किचन मेरा साफ़ हो जाएगा। और फिर देखिएगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि साफ़ करने के बाद मेरा किचन कैसा लग रहा है। पहले तो देख के सर घूम रहा था कि कैसे होगा, लेकिन सब हो गया। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर मेरी ब्लॉग आप लोग अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो बताइएगा कि कैसा लगा और कैसा नहीं। तो यहीं पे मेरा सारा काम चल रहा है। यहाँ पे जो बड़े डब्बे हैं उसको भी मैंने कुछ डब्बे साफ़ कर दिए हैं। जो देखिए यहाँ पे बर्तन स्टैंड पे देखिए देख के कितना ढेर लगा हुआ है बर्तन डब्बों का, और उसके बाद ये भी साफ़ कर लूँगी। और फाइनल में लगा ली हूँ किचन में पोछा, और पोछा देखिए उसके बाद सब पूरा किचन क्लीन करने के बाद मैं आपको किचन का अपना टूर कराती हूँ कि कितने सफाई करने के बाद अब किचन मेरा लग रहा है ऐसा। नहीं तो इसके पहले लग रहा था कि कैसे काम फिनिश होगा, कैसे होगा। तो ये रहा मेरा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ आप लोगों के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।